मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वक्त हैं हम अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के नीचे। तो चलो, मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए आई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करते हैं तो ये है गेट। यहाँ से राइट साइड की तरफ आप टर्न करेंगे अक्षरधाम मंदिर के लिए, सीधे जाइए। वॉकिंग डिस्टेंस है। इस रास्ते पे सीधे 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 जाइए मेट्रो स्टेशन से राइट साइड। हाँ, मेरी मेट्रो सीधा सीधा राइट साइड आपको ये बोर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा, स्वामी नारायण अक्षरधाम। मैं मंदिर के बाहर मॉर्निंग वॉक करने आई हूँ। द वे मंदिर मेरे तो घर के पास ही पड़ता है। दिस इज द रोड टू रीच अक्षरधाम। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है अक्षरधाम का बाहर का व्यू। अभी मैं वापस आऊँगी तो मैं आपको मेन गेट का भी पिक्चर दिखाऊंगी। दिस इज द व्यू। यही एक ऐसी जगह है जहाँ सुबह सुबह आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत बहुत शांति होती है यहाँ पे। लुक एट द रोड, कंप्लीट क्लीन। अक्षरधाम मंदिर। तो मेरा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं वापस जा रही हूँ और रास्ते में अक्षरधाम का मेन गेट पड़ेगा तो दिखा दी। दिस इज अक्षरधाम गेट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा भी है फर्स्ट एंट्री 9:30 एंड लास्ट एंट्री 6:30 और एवरी मंडे क्लोज। एंड दिस इज द बैक वे टू अक्षरधाम। तो देखो मेरे पीछे अक्षरधाम, देखना, लुक एट क्लोज व्यू। एवरी मंडे अक्षरधाम बंद होता है और अगर आप अपना लगेज वगैरह, इवन आप अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपकी मोबाइल्स वगैरह भी आपको डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। इवन अगर किसी ने बेल्ट वगैरह लगाई हुई है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से चेकिंग पड़ेगी। चेकिंग बहुत तगड़ी है यहाँ की, चेकिंग बहुत अच्छे से होती है एक्चुअली। आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आई ऑलवेज फील गुड हियर। कब तक मुझे डेली प्रॉब्लम है, मैं तब सोच रही हूँ जय बाबा भोलेनाथ में खेल जाऊँ। एक्चुअली मैं अपनी बाकी की लाइफ तो अपने फेवरेट हिल स्टेशन लवडल में बिताऊंगी। आज तक देखा नहीं है। आई विश मेरी इच्छा पूरी हो। एक बार तो ऊटी विजिट करना है मुझे, इसलिए पास ही है। अलाव्यू।